अबू जान अबू जान आओ, आज मैं आपको टीवी दिखाता हूँ, आज खबरें देखते हैं। आज इसको क्या हो गया, कभी कहता है मैं खबरें सुनूंगा, कभी कहता मैं फिल्में देखने, अब इसको क्या हो गया। चलो बेटा, अब आप क्या सोच रहे थे, चलो मेरे कुछ नहीं, चलो चलो आओ वो बैठे, आओ 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 आओ, बैठो 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 चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शोएब, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल शोएब एस के 15। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरिया से होंगे। तो हम आपको पाकिस्तान की सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों की कमी वाकई हो रही है। जदीद तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने इस बात का पता लगाया कि पाकिस्तान में लड़कियों की कमी हो रही है। आखिर लड़कियों की कमी की वजह क्या थी? तो वटेमार साइंसदान ने इस बात का पता लगाया कि लड़कियों की कमी की वजह आलू थे, जिसकी पैदावार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है। जितने भी कुंवारे लड़के हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द शादी कर लें, वरना आपका जो शादी वाला ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। तो इस हेडलाइन के बाद मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देखा ना, आप देखा तो ना, बस मेरे शादी वाला जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह जाएगा। नहीं, मैं जो कहता था इस फसल पर मेरी शादी कर, कहता नहीं अगली फसल, जब वो फसल आती है कहता नहीं ये फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगली फसल पे। अब देखा तूने, मेरा जो सपना था शादी वाला वो सपना ही रह जाएगा, अब मैं कुंवारा ही मरूंगा। एक शादी तो मैंने कहा था, और कोई कुछ कहा था? सब्र करो बेटा, सब्र करो, टीवी वाले झूठ बोल रहे, कोई पता है? अच्छा, ये खबरों वाले झूठ बोल रहे हैं, कब से कह रहा था? नहीं, टीवी वाले झूठ बोलते हैं, काल को हो गए गूगल वाले झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया झूठ बोलती है, एक तू ही बात सच्चा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मैं जाऊँ तो जाऊँ का, आखिर ये क्या हो गया है आपको? बेटा तेरी शादी के लिए मैंने पैसे छोड़ रखे थे, बिल इतना बहुत ज्यादा है और पैसे सब उधर चला गया। अच्छा, शादी के लिए पैसे नहीं थे, बिल के लिए थे। मैं जो कहता था एक मीटर काफी है, नहीं कहते, नहीं नहीं मैंने तीन मीटर लगवाने, एसी पे सोना है, एसी पे तू सोएगा। तो मैं कहता भी था पंखा चला लो, नहीं कहते नहीं मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, मैं एसी पे सोऊंगा। अब आ गया ना बिल। बेटा बैठो बैठो, मैं बंद कर दूं। ना ना बोलो, बैठो तो सही, बैठो मैं खुद बंद कर, बैठो तो सही, मैं खुद बंद कर लूंगा। हराम खोर, तुम पीछे बैठे हो, इधर आओ इधर आओ इधर, क्या बात है, क्यों पीछे बैठे हो? ये सारा किया धरा तेरे बेटे का है। हराम खोर, तुम पीछे बैठे था, इसी ने मुझे कहा था कि ये खबर आपने टीवी पर देनी, और मैंने अपने बाप को बेवकूफ बनाना है। इसे नहीं कहा था, ये खुद झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं कहा था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं सारा वाक्य आपको बताता हूँ, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो बताओ ना इसको सीधी बात, मैं आपको बताता हूँ सारा वाक्य। शोएब भाई, यार मेरा बाप मेरी शादी नहीं करता, आप ऐसा करें, आज मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान है? प्लान ये है कि आज तूने खबर देनी है टीवी पे कि पाकिस्तान में लड़कियों की कमी हो रही है। तो भाई जैल, मैं किस तरह खबर दूंगा टीवी पर? अरे तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो बेवकूफ सीधा साधा इंसान है। आपने टीवी के पीछे बैठ रहे हैं आराम से, बाकी काम मेरा है, आपने सिर्फ हेडलाइन देनी है कि लड़कियों की कमी हो। टीवी का कवर है आपके पास? हाँ मेरे पास कवर है, वो सारा प्लान मैंने बना के पहले रखा हुआ है। ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। हरामखोर, दोनों झूठ बोलते हो।